हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मसूर का पुलाव। तो सुनकर चौंक गए होंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खाने में जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पैन में हम सबसे पहले एक चम्मच देसी घी डालेंगे। पुलाव घी में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो अब इसके बाद इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच जीरा। और यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 5 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता। इसे डालकर फ्राई कर लेते हैं 2 सेकंड। अब यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है, इसे लंबे लंबे पीस पर काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। पुलाव में प्याज डालने से बहुत ही पुलाव टेस्टी बनता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मन करे तो आप प्याज डाल सकते हैं, वरना स्किप करें। तो यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज़ की आलू ली हुई है, मोटे मोटे पीस में काट लिया है, जो इसे भी डाल देते हैं। अब इसको 2 मिनट हम मिक्स करेंगे और फ्राई होने देते हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर हमने 1/2 कप साबुत मसूर ली है। ये गर्म पानी में हमने 2 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था, अच्छी तरीके से ये गल चुकी है। अब इसे भी डाल देते हैं, सब मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, इसे हम ढक कर 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए देख लेते हैं, आलू अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, मसूर भी सॉफ्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं आलू पे हल्की सी कोटिंग भी आ गई है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कप बासमती चावल, इसे हमने 10 मिनट तक पानी में भिगोकर रखा था अच्छी तरीके से धोकर, इसे भी डाल देते हैं। पुलाव बनाते समय चावल का ध्यान रखना, पुलाव बनाने से पहले चावल को 10 मिनट तक धोकर पानी में भिगा देना चाहिए। तो इस तरीके अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना स्किप करें। गरम मसाला पड़ने से स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया हुआ है, इसे भी डाल देते हैं। तो अभी चला के देख लेते हैं, अभी पानी थोड़ा कम था, हमने 1/2 कप पानी और डाला है। ये देखिए अब चावल के ऊपर पानी है, तो टोटल हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसे ढककर पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी इसमें पानी है, अभी अच्छी तरीके से पका नहीं है, थोड़ा सा इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। पुलाव बनाने के लिए 1 कप चावल और 1.5 कप पानी, ये सेम मेजरमेंट अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। पानी ज़्यादा अगर डालेंगे तो पुलाव गीले हो जाते हैं, इसे ढक कर हम फिर पकाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पुलाव हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है, पक चुका है, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए पुलाव कितने खिले खिले बने हैं, चावल कितने उभर कर खिल गए हैं। हमने कढ़ाई में पुलाव को बनाया है, कुकर में नहीं। कुकर में बनाते हैं तो अक्सर पुलाव चिपक जाते हैं और गीले भी हो जाते हैं। तो कढ़ाई में कितने अच्छे पुलाव बनकर तैयार हैं। तो अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ढक देते हैं, 5 मिनट बाद सर्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और 2 हरी मिर्च हमने डाला है लंबे लंबे पीस में काट कर। आपको थोड़ा तीखा पुलाव पसंद है तो आप जब मसाला फ्राई कर रहे हैं, प्याज डालते समय, आलू डालते समय उसी समय डालिएगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। पुलाव बहुत ही अच्छे बनकर तैयार है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं।
जितना ही देखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं पुलाव। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे पुलाव बनकर तैयार होंगे। तो आप बनाइएगा ज़रूर और कमेंट करके बताइएगा आपका पुलाव कैसे बना। बाय बाय दोस्तों।